ये काम किसी नॉर्मल पुलिस अफसर के बस की बात है ही नहीं। We have to get this stop. इसके लिए हमें स्पेशलिस्ट चाहिए। करेगा कॉल टाइगर। भरोसा भी हिम्मत भी और ताकत और पागलपन। इमरान हाशमी के सपोर्ट में हुआ बवाल, किस चीज को लेकर भड़क रहे हैं इमरान की फैंस, कहां से कहां आ पहुंचे सलमान और कैटरीना। हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूं आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में। मशहूर बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की टाइगर फ्रेंचाइजी की थर्ड इंस्टॉलमेंट टाइगर 3 जल्द आ रही है हमारे बीच। मनीष शर्मा के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म अगले साल 21 अप्रैल 2023 को रिलीज हो रही है। पिछले दो पार्ट्स की तरह इस बार भी सलमान खान और कैटरीना कैफ इसमें साथ नजर आने वाले हैं। फ्रेंचाइजी का ये पार्ट भी फुल ऑफ एक्शन और थ्रिलर से भरा होगा। वहीं इस बार कई नए एक्शन सीक्वेंसेस भी देखने को मिलेंगे। टाइगर 3 साल की वन ऑफ द हाईएस्ट बजट फिल्म बताई जा रही है, जिसमें केवल विलन की एंट्री में ही 10 करोड़ रुपए लग गए हैं। क्या आप जानते हैं इस बार हमें विलन के रूप में कौन दिखाई देने वाला है? इस बार मेकर्स इंडस्ट्री के ही किसी जाने माने चेहरे को एक नए रूप में दिखाने वाले हैं, बॉलीवुड के सीरियल किलर इमरान खान, जिन्हें अभी तक बस रोमांटिक फिल्मों के लिए ही जाना जाता था। अब वो पहली बार खलनायक के रूप में दिखाई देने वाले हैं। इमरान को ये फिल्म ऑफर होते ही एक्टर ने सलमान को टक्कर देने के लिए अपनी बॉडी पर काम करना शुरू कर दिया था। वही क्या आपको पता है इमरान हाशमी के फैंस इन दिनों टाइगर 3 को लेकर क्या नाराजगी दिखा रहे हैं? दरअसल कुछ टाइम पहले आई टाइगर 3 की डेट अनाउंसमेंट वीडियो के आने के बाद जहां सलमान और टाइगर के फैंस तो खुश नजर आए, लेकिन इमरान के फैंस ये वीडियो देख नाराज हुए। नाराज इसलिए हुए क्योंकि उन्हें पता था कि इमरान भी इस मूवी में लीड रोल में दिखाई देने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो में उनकी झलक न मिलने पर फैंस काफी दुखी दिखाई दिए। हालांकि मेकर्स ने शायद उनकी झलक इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि इमरान टाइगर 3 के लिए एक नया फेस है और वो इसे अभी भी सस्पेंस बनाकर रखना चाहते हैं। इमरान का लुक इतनी आसानी से रिवील नहीं करना चाहते हैं। आखिर उनकी एंट्री में ही 10 करोड़ रुपए जो लगे हैं। इमरान सलमान और कैटरीना के साथ पहली बार स्क्रीन शेयर करने वाले हैं, लेकिन क्या आपको पता है सलमान और कैटरीना कितने लंबे टाइम से साथ में काम कर रहे हैं? हम आपको उनकी शुरुआती फिल्मों के बारे में बताते हैं। इन दोनों की जोड़ी सबसे पहले 2005 में मैंने प्यार क्यों किया में नजर आई थी। वहीं इसमें सुष्मिता सेन भी दिखाई दी थी। यहीं से सलमान और कैटरीना की जोड़ी लोगों को इतनी पसंद आई कि आगे भी दोनों ने कई सारी मूवीज साथ में बनाई। आगे चलकर पार्टनर, युवराज जैसी फिल्में, फिर एक गैप के बाद एक था टाइगर और फिर टाइगर जिंदा है जैसी सुपरहिट फिल्मों में दोनों ने अपना कमाल दिखाया। मूवी के साथ साथ इनके गाने भी खूब पसंद किए गए और अब दोनों फिर से लंबे गैप के बाद साथ में दिखाई देने वाले हैं। टाइगर 3 को यश राज प्रोड्यूस कर रहे हैं और वहीं इस मूवी में शाहरुख खान भी कैमियो करते दिखाई देंगे। शाहरुख खान की आने वाली मूवी पठान, जो कि 25 जनवरी 2023 को रिलीज होने वाली है, इसमें टाइगर 3 से सलमान कैमियो करेंगे। वहीं जहां से पठान का एंड होगा वहीं से टाइगर 3 की शुरुआत होगी। आप इस आने वाली सीरीज के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड है हमें कमेंट्स सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को।